गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, दिस इज चैप्टर 15, जंबल्ड सेंटेंसेस। जंबल्ड सेंटेंसेस का मतलब वो सेंटेंसेस जो प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं होते, उनको हम जंबल्ड सेंटेंसेस बोलते हैं। जंबल्ड मतलब प्रॉपरली अरेंज्ड का मतलब कि वर्ड्स उसके प्रॉपर जगह पे नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा माई नेम इज़ एलिस, ओके माई नेम इज़ एलिस, ये सेंटेंस सही है। पर अगर हमने कहा एलिस माई नेम इज़, तो ये सेंटेंस क्या है, ये गलत हो गया, ठीक है। तो जो गलत सेंटेंसेस होते हैं, जिनका कोई जिनकी कोई मीनिंग नहीं निकलती है, उनको हम क्या कहते हैं, जंबल्ड सेंटेंसेस बोलते हैं, ओके। उनको क्या कहते हैं, जंबल्ड सेंटेंसेस बोलते हैं। टुडे सैम इज़ कन्फ्यूज्ड, आज सैम बहुत कन्फ्यूज है। ही इज़ स्पीकिंग मीनिंगलेस सेंटेंसेस, क्यों कन्फ्यूज़ है, क्योंकि वो आज मीनिंगलेस सेंटेंसेस बोल रहा है। मीनिंगलेस सेंटेंसेस मतलब ऐसे सेंटेंस बोल रहा है, ऐसे वाक्य बोल रहा है जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस उसने क्या बोला, आई एम टू स्कूल गोइंग, आई एम टू स्कूल गोइंग, ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। आई मिल्क एवरी डे ड्रिंक, द इज काउ वाइट, माई फ्रेंड जूलिया इज, ये चार सेंटेंसेस सैम ने बोला और चारों सेंटेंस उसके रॉन्ग थे, ठीक है। ये जो फर्स्ट सेंटेंस था, इसको उसको किस तरीके से बोलना चाहिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, और उसने क्या कह, उसने क्या बोल दिया, जा रहा हूँ स्कूल मैं, तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। आई मिल्क एवरी डे ड्रिंक, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो रॉन्ग। करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए था, उसको क्या बोलना चाहिए था, आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे। द इज काउ वाइट, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो रॉन्ग। सेंटेंस सही क्या होना चाहिए, द काउ इज वाइट। फोर्थ सेंटेंस माई फ्रेंड जूलिया इज, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो रॉन्ग। करेक्ट सेंटेंस शुड बी माई फ्रेंड इज जूलिया। डू द सेंटेंसेज मेक सम सेंस, क्या ये जो सेंटेंसेज ऊपर उसने बोला है वो सेंटेंसेज क्या सही है, नो दे डोंट मेक एनी सेंस, ठीक है। नो द सेंटेंस डू नॉट मेक एनी सेंस, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ये सारे सेंटेंसेज गलत है। दिस इज बिकॉज द वर्ड ऑर्डर ऑफ ईच सेंटेंस इज इनकरेक्ट, क्यों गलत है, क्योंकि ये सारे सेंटेंस, ये जो सेंटेंसेज हैं इनके वर्ड ऑर्डर ये सही नहीं है। द वर्ड हैव गॉट मिक्सड अप, सारे वर्ड जो है मिक्सअप हो गए हैं, इस वजह से इसका कोई मीनिंग नहीं निकल पा रहा है। इफ़ वी राइट देम करेक्टली द सेंटेंसेज आर, अगर इन सेंटेंसेज को हम सही से लिखते हैं तो वो सेंटेंसेज क्या होंगे, देखिए सही से अगर वो सेंटेंस बोला होता तो क्या बोलता, मैंने आपको बताया ना, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, द काउ इज़ वाइट, जूलिया इज़ माई फ्रेंड। आई एम गोइंग टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, मैं रोज मिल्क पीता हूँ, द काउ इज़ वाइट, गाय किस कलर की है, वाइट कलर की है, जूलिया इज़ माई फ्रेंड, जूलिया मेरी दोस्त है। तो आपको क्या समझ में आया कि जंबल्ड सेंटेंसेस वो होते हैं जो हम जब हम कोई गलत वाक्य बोलते हैं, ठीक है, उसी को जंबल्ड सेंटेंस बोलते हैं, ओके। नाउ कम ऑन टू एक्सरसाइज, अरेंज द वर्ड्स बिलो इन देयर करेक्ट ऑर्डर टू मेक सेंटेंसेस, यूज कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप वेयर इट रिक्वायर्स। यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को आप अरेंज करके प्रॉपरली लिखिए, और पहला लेटर किससे लिखते हैं हम लोग, कैपिटल से लिखते हैं, और एक चीज़ और, जो प्रॉपर नाउन होता है वो किससे होता है, वो भी कैपिटल लेटर से होता है, और हर सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ओके। कुछ सेंटेंसेस क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और जो स्टेटमेंट होता है वहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा, ओके। नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज, मंथ इज जनवरी द फर्स्ट कॉल्ड। अब बताइए पहला मंथ कौन सा होता है, जनवरी, तो हमें सेंटेंस में क्या लिखना चाहिए, जनवरी इज कॉल्ड द फर्स्ट मंथ, ओके। जनवरी इज कॉल्ड द फर्स्ट मंथ, जनवरी का जे हमें कैपिटल से लिखना होगा, क्योंकि एक तो ये फर्स्ट लेटर है, और दूसरी बात ये भी है कि ये प्रॉपर नाउन है, ओके, और सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। सेट क्लियर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, सेकेंड वन इज, हाउस कैनल डॉग, हाउस कैनल कॉल्ड अ डॉग इज अ द ऑफ, ठीक है, ये सेंटेंस भी देखिए गलत है।
द हाउस ऑफ अ डॉग इज कॉल्ड अ कैनल. डॉग का जो हाउस होता है उसको हम क्या कहते हैं? कैनल कहते हैं. इसमें द पहला लेटर है टी, तो इसको कैपिटल हम लिख रहे हैं, ओके. और कैनल का के कैपिटल होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है. एग्स मेक 12 डजन, है ना, 12 एग्स मेक अ डजन. 12 एग जो है वो एक दर्जन बनाता है. एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है. इट विंडी डे इज अ, इट इज अ विंडी डे. रेनिंग इट टुडे इज, इट इज रेनिंग टुडे. ओके स्टूडेंट, सेंटेंसेस के लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा दीजिएगा. नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट. लिली एंड जेम्स आर स्पीकिंग सम सेंटेंसेस. लिली और जेम्स दोनों कुछ सेंटेंसेस बोल रहे हैं. हु इज़ बेटर, काउंट द करेक्ट सेंटेंसेज ऑफ बोथ, देन राइट हु इज़ द, हु द विनर इज. ठीक है, यहाँ ये देखो, ये लिली है और ये कौन है? ये जेम्स है. दोनों इंग्लिश बोल रहे हैं, उनमें किसका सेंटेंस ज़्यादा करेक्ट है वो विनर रहेगा और जिसका कम करेक्ट है वो लूजर रहेगा. ओके, तो आप देखिए, हम लोग चलिए काउंट करते हैं. द डॉग वॉज रनिंग, दिस वन इज करेक्ट. द बिग मैन टोनीज फादर इज, दिस वन इज रॉन्ग. इसका करेक्ट क्या होगा? द बिग मैन इज टोनीज फादर, है ना, यहाँ पे ये गलत हो गया. आई डू नॉट बिलीव इट, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. वी अटेंड द क्लासेज एवरी डे, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. आई लाइक टू गो द फार्म टू, दिस वन इज रॉन्ग. करेक्ट क्या होगा? आई लाइक टू गो टू फार्म. तो इसके कितने हो गए? लिली के 3 हो गए. अब इसके काउंट करिए. जेम्स के, द डॉग प्लेज इन आर यार्ड, दिस वन इज करेक्ट. आई सॉ अ जगलर यस्टरडे, ये भी सही है. मैथ इज फन सब्जेक्ट आर, दिस वन इज रॉन्ग. द चिल्ड्रेन प्लेइंग आर, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग. ही माई फ्रेंड इज, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग. तो इसके कितने हुए? 2. विनर कौन हुआ? लिली. क्यों? क्योंकि लिली के 3 सेंटेंसेस सही थे, है ना, और जेम्स के सिर्फ 2 ही सही थे. सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज ओवर. थैंक यू.